फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की मेरी वीडियो है हेयर टिप्स के बारे में। तो जी हाँ, अगर आप भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, आपके भी बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा DKY हेयर ऑयल लेके आई हूँ जिसके कमाल से आपके एक महीने के अंदर ही जो भी बाल जहाँ से झड़ चुके थे आपके और आपने बहुत लाख कोशिश कर ली पर बाल वापस नहीं आए, और तो और ज्यादा ज्यादा ही गिरने लगे। कुछ भी आप ट्राई कर रहे हैं उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको और आपके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, कम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, और आपको आईने में देख के अब खुद पे रोना आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अब मैं आपके साथ DIY शेयर करने वाली हूं जो कि मैंने अपनाया है, और ये प्रॉब्लम मैंने भी झेली हुई है और किस वजह से झेली हुई है मैं ये भी बताती हूँ। तो एक साल पहले मेरी डिलीवरी हुई और मुझे एक बेबी बॉय हुआ, और मैंने उस टाइम गर्मी इतनी थी कि मैंने अपने बालों का ध्यान दिया ही नहीं, मैं तेल लगाती ही नहीं थी। मेरी मम्मी मुझे हजार बार बोलती थी तेल लगा ले, तेल लगा ले, तेल लगा ले, पर गर्मी इतनी होती थी और मैं उस टाइम गांव में थी, तो गांव में आपको पता ही होगा लाइट की कितनी दिक्कत रहती है, तो उस वजह से मैं तेल नहीं लगाती थी। और तेल अगर लगा भी लेती थी तो फिर एक घंटे में ही वॉश कर देती थी, जबकि हमें डिलीवरी के बाद हमारे एक महीने से दो महीने तक हमारे सर में बिल्कुल तेल जैसे बोलते हैं ना चिपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए कि हाँ तेल है, बाल से ज्यादा तेल दिखना चाहिए हमारे बालों में, तो वैसा बिल्कुल मैंने नहीं किया था। तो उस वजह से मेरे बाल शुरू में तो बिल्कुल नहीं झड़े, मुझे पता नहीं लगा। मैं भी ऐसे सोचती थी कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मेरे बाल तो मजबूत हैं, कुछ नहीं होता, अभी नहीं हो रहा तो बाद में क्या होगा। लेकिन उस टाइम असर कुछ किसी भी चीज का असर तुरंत नहीं दिखता है, धीरे धीरे टाइम लगता है असर दिखने में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कोई भी ऑयलिंग नहीं की कभी, तो उस वजह से मेरे जो आगे के हिस्से के बाल हैं वो बिल्कुल अभी झड़ना स्टार्ट हो गए थे। सर्दियों के टाइम में बहुत ही ज्यादा बाल झड़ने लगे थे और मेरे आगे के ऐसे ये पैचेस पड़ गए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे गंजा कर दिया हो बाल, ऐसे दिखने लगे थे। तो मैं भी अपने मतलब खुद को देखती थी शीशे में तो मुझे भी शर्म आती थी, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हैं अगर बाल कम है तो, सिंपल सा ऐसे कंघे भी कर लो ना फिर भी अंदर का जो स्किन है वो दिख जाता है, तो ऐसे शर्म सी आती है। और मैंने कहीं आना जाना भी बंद कर दिया था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया DIY हेयर ऑयल और मैंने उसे बनाया और वो चीज मेरे पे जादू जैसा मतलब असर किया है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे ये बेबी हेयर मेरे उसी ऑयल का कमाल है, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई वीडियो बनाने के लिए बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कहीं से सुन के, मैंने खुद भी आजमाया। देखिए ये मेरे जितने आप ये छोटे छोटे हेयर दिखेंगे ना ये सारे निकले हुए थे, पहले ये सारे झड़ चुके थे, अब देखिए ये सारे मेरे जो है ये बेबी हेयर ही है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ का था ना ये बिल्कुल यहाँ तक पूरा मेरे बाल ये जो है ना वो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, बिल्कुल ये स्किन दिखती थी यहाँ की, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी बाल आ गए हैं और ये इतने बाल मेरे हो भी गए हैं, ये पूरा खाली हो गया था ये एरिया मेरा। और इस तेल का यूज मैं बस दो महीने से ही कर रही हूँ, और दो महीने में आप मेरे इसका रिजल्ट देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है इस वीडियो में, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोनों साइड देखिए। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे बाल जो मुझे मिले हैं उस तेल की वजह से ही मिला है ये सारे मेरे बाल जो हैं वो उड़ चुके थे, और मेरे पीछे के बाल नहीं झड़े थे, बस आगे के ही बाल झड़े थे। तो ये आगे का ही देखिए आप, ये मेरे बेबी हेयर की कितनी ग्रोथ हुई है, आप यकीन करिए, आप खुद देख लीजिए। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो तेल को कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या चीज चाहिए। तो
चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी मैंने लिया है एलोवेरा की पत्ती और ये हिबिस्कस का फूल है, यानी कि गुड़हल का लाल वाला जो फूल होता है, तो इसे मैं पहले अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसका कोई यूज नहीं है, तो उसे मैं निकाल लूँगी और अच्छे से धो लूँगी ताकि उस पर कोई मिट्टी या कोई गंदगी ना रहे। तो मैंने यहाँ एलोवेरा और फूल और उसकी पत्तियों को अच्छे से धो के ले लिया है और अब मैं एलोवेरा की पत्तियों को छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी ताकि जी तेल बनाने में आसानी हो। तो देखिए मैं इसे अच्छे से पहले सारे एलोवेरा की पत्ती को कट कर लूँगी और फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपसे। तो मैंने सारी पत्तियों को कट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने लिया है कोकोनट ऑयल जिसमें हम ये तेल बनाएंगे। तो इस कोकोनट ऑयल को मैंने एक भिगोने में निकाल लिया है और एलोवेरा की में हम सारी चीज़ों को अच्छे से पत्तियों को जलाएंगे। जब तक ये जल जाएगा तब तक फिर हम इससे मतलब धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पहले पत्ती डाल दी है, फिर फूल भी डाल दूँगी और एलोवेरा को भी डाल दूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी मेथी दाना और कलौंजी दाना। तो अब जो हमारा तेल है वो अच्छे से बन चुका है, आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली थी वो जल गया है अच्छे से। और फिर अब हम इसे गैस को बंद करके और तेल को ठंडा करके हम एक जार में इसे निकाल लेंगे। आप शीशे के बोतल में ही रखिए, शीशे के कंटेनर में रखिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ छन्नी से तेल को छान ले रही हूँ और ये सारा तेल छन्नी से नहीं छनता है, तो आप एक कॉटन के कपड़े में लेके आप इसे हाथों से दबा दबा के जितना तेल अंदर रह गया है इस मिश्रण में तो उसे निकाल लीजिए। और ये मेरा शीशे का कंटेनर, इसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और अब उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप भी ऐसे बनाइए और आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं तो आप इसे। तो आई होप कि आपने देख लिया होगा कि वो तेल मैंने कैसे तैयार किया है। तो आप भी अगर आपने बालों पे ध्यान देना बंद कर दिया है आपने और आप भी अपने बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं तो आप इस DIY को ज़रूर अपनाइए। यकीन मानिए आपके बाल पहले ही अप्लाई में ना झड़ना जो है बिल्कुल थोड़ा सा तो बंद हो ही जाएगा बिल्कुल। तो मैं ऐसे कोई मैजिक नहीं है कि एकदम से चुटके बजाया और हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट अप्लाई करेंगे ना तो आप थोड़ा सा अंतर आपको जरूर पता चल जाएगा। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करके देखिए। और अगर कुछ ना हुआ तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा या फिर मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा आके। तो बस ये थी मेरी वीडियो, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं।